गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, मैं कल रात बहुत लेट सोई थी इसीलिए लेट जगी हूँ एंड फ्रेशन अप होके जल्दी से बैठ गई अपने फर्स्ट सेशन के लिए। तो फर्स्ट सेशन है मेरा रिवीजन, कल मैंने जो भी पढ़ा वो मैं रिवाइज करूँगी, एक घंटे में वो हो जाएगा। सो 9 से 10 हम लोग वो करेंगे। एंड आप लोग ये व्लॉग देख रहे हो मतलब आप लोग भी किसी ना किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर UPSC एस्पिरेंट हो। तो चलिए हम लोग हमारी ये जर्नी साथ में कंटिन्यू करते हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़िए एंड आपको मेरे व्लॉग्स अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। आप इस वीडियो का टाइटल देखकर ही आए होंगे ये वीडियो देखने के लिए। तो गाइज, जब इस साल का प्रीलिम्स हुआ था तो मैंने फॉर्म भरा था UPSC प्रीलिम्स का एंड मुझे नागपुर सेंटर मिला था। तो मैंने सोचा कि मैं इतनी प्रिपेयर नहीं हूँ कि मैं एग्ज़ाम दूँ और उसमें क्वालिफाई हो जाऊँ। तो मैंने सोचा कि ये अटेम्प्ट नहीं देते हैं एंड मैंने वो अटेम्प्ट नहीं दिया। उसका सेकेंड रीज़न ये भी था कि मेरा कुछ दिनों में ही ग्रुप बी का एग्ज़ाम था। अगर मैं नागपुर जाती थी तो मेरा एक दिन पूरा जाने आने में चला जाता था। सो मैंने स्किप किया था एग्ज़ाम इस साल का, बट मेरा MPSC का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था। गाइज, दिस इज़ द क्विक अपडेट कि मैंने आगे व्लॉग क्यों नहीं शूट किया। 12 बजे तक मैंने पढ़ाई की एंड फिर मैंने खाना खाने के लिए ब्रेक लिया था, नहाने के लिए, खाना खाने के लिए एंड फिर बैठी ही थी मैं स्टडी करने के लिए। तो हॉस्पिटल से कॉल आया एंड हमारे एक रिलेटिव है तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे मम्मी को वहाँ पर ड्रॉप करना पड़ा। फिर बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी उनकी तबीयत तो मैंने वहाँ पे मम्मी को ड्रॉप किया। फिर उसमें ही मेरा बहुत टाइम चला गया एंड फिर घर पे आने के बाद मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, मतलब IIT में पढ़ने के लिए। लेकिन फिर मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि एक ही मोबाइल था मेरे पास एंड दूसरा मोबाइल मम्मी साथ में लेके गई थी और मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में यूट्यूब पर एक प्रोग्राम है, उनके साथ साथ ही आंसर्स लिखती हूँ एंड उन्हीं से चेक करवाती हूँ, मतलब वीडियो देख के ही खुद ही चेक करती हूँ। तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। सो अभी 7 बजे है तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेशन। GS में मैं अभी हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ। पॉइंट से, 1 मार्क्स से या 2 मार्क्स से जिनका एग्जाम रहता है वही इस बात का दुख समझ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी जो हो गया सो हो गया। तो अभी फुल फ्लेज में 2023 के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे एंड बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। तो अभी 1 मार्क की भी कसर नहीं छोड़नी है, अभी इस साल होना ही चाहिए सिलेक्शन। लेकिन कैसा होता है दोस्तों कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो UPSC एस्पिरेंट तो पूरे साल में दिन भर में सिर्फ 5 ही घंटे सोते हैं एंड एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ 2 या 3 घंटे। तो अगर 1 मार्क से एग्ज़ाम रह जाता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन अभी फिर से बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। किसी ने मुझसे भी ज़्यादा तैयारी की होगी इसीलिए उनका हो गया एंड मेरा नहीं हुआ। सो ऐसा सोचते हैं कि इस साल मैं डिज़र्व ही नहीं करती थी एंड नेक्स्ट ईयर पूरी तैयारी से फिर से हम लोग मैदान में उतरेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा स्टडी सेशन। गाइज, मैं हॉल में बैठी थी 7 बजे से, तो आप लोग देखिए अभी 9:30 बजे है एंड अभी मैं ब्रेक ले रही हूँ। सो अभी खाना वगैरह खाएंगे एंड देन उसके बाद मैं स्टडी करने के लिए बैठूंगी। तो अभी मैं आधा घंटा ब्रेक लूँगी। खाना वगैरह खा के हो गया है मेरा, अभी 10 बजे है तो अभी बैठते हैं फिर से पढ़ने के लिए। जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि मैं MPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, तो MPSC का मेरा लास्ट ईयर का मेंस 1 ही मार्क्स से रहा है एंड इस साल सिलेबस चेंज हो चुका है, पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, इसीलिए मैं UPSC फोकस कर रही हूँ, UPSC 2023। तो अभी उसी के लिए मैं पढ़ रही हूँ। मैंने सोचा मैं अपनी जर्नी रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने का एंड आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट द UPSC जर्नी टुगेदर।